बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में चल रही गंभीर जालसाजी का पर्दाफाश हो गया है। जालसाज टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करीब डेढ़ दर्जन अनऑथराइज्ड ग्रुप और चैनल चला रहे थे, जिनसे हजारों स्टूडेंट्स जुड़े थे। इन ग्रुप्स पर यूनिवर्सिटी से जुड़ी फेक अपडेट्स को वायरल किया जा रहा था, खासकर एग्जाम से रिलेटेड फेक इन्फॉर्मेशन को। लोकल 18 की टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। इन ग्रुप्स में ना सिर्फ फेक नोटिस भेजे जा रहे थे, बल्कि एक चैनल पर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर किया जा रहा था। हाल ही में उस चैनल को डिलीट किया गया। जब हमने इस मामले की जानकारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को दी तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने पुष्टि की कि यूनिवर्सिटी की ओर से किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और छात्रों को ऐसी फर्जी सूचनाओं से बचने की सलाह दी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे अवांछनीय तत्वों को आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे नापाक इरादों से जो काम कर रहे हैं इसको बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो हम पूरी शिद्दत के साथ करें और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन में ऐसा काम ना करें। सर, ऐसे लोगों के चक्कर में आजकल छात्र छात्राएं आ जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उन छात्रों से और छात्राओं से मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी समस्याओं को समाप्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए हर सोमवार को हमने छात्र संवाद का आयोजन किया है, तो छात्र सीधे विश्वविद्यालय कार्यालय में आएं और अगर विश्वविद्यालय कार्यालय में भी उनको रुकावट हो तो सीधे मेरे कार्यालय में आके बतावें छात्रों की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन दलालों के माध्यम से ऐसे चैनल वालों से सावधान। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि केवल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट या कॉलेज ग्रुप से मिली जानकारी पर भरोसा करें। किसी भी फेक सूचना के बारे में तुरंत शिकायत करें। यूनिवर्सिटी इस मामले में सख्त एक्शन लेगी। लोकल 18 के लिए मुजफ्फरपुर से ऋतुराज की रिपोर्ट।